तो एम आई ए3 के अंदर मैंने फ्लैश किया था एंड्रॉइड 12 का जो कि बेटा रोम, ये जो है काफी बढ़िया रन कर रहा है। और यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर एक कंप्लीट रिव्यू देने के लिए यहाँ पर कुछ टॉप 12 फीचर्स के बारे में बात करूंगा और टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बात करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इसका जो स्टाइलिश मटेरियल डिजाइन जो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलता है, ये जो काफी बढ़िया है। और यहाँ पर जो वॉल्यूम बटन को हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम बटन के साथ इस टाइप का कुछ डिटेल सामने आ जाता है। काफी अच्छा यूआई इसके अंदर एंड्रॉइड 12 के अंदर हमें देखने को मिलता है, जो कि एमआई A3 के अंदर ये परफेक्टली वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जब यहाँ पे 3 डॉट पे टाइप कर दे तो यहाँ पर सारे नीचे सामने आ जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हो नोटिफिकेशन पैनल, तो ये जो है देखिए यहाँ पर डिटेल्स जो है यहीं से ही आप यहाँ पे किन्हीं को रिप्ले वगैरह सब कुछ कर सकते हो। यह मतलब परफेक्ट मटेरियल यूआई डिजाइन, काफी अच्छा लगता है इसका सेटअप वाइज। रिसेंट मेनू अगर आप यहाँ पे स्वाइप ऑफ करते हो, रिसेंट मेनू के अंदर आपको स्क्रीनशॉट फीचर्स देखने को मिल जाता है, ये काफी बड़े, यहीं से आप शेयर और एडिट वगैरह कर सकते हो। एडिट के लिए काफी फीचर्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ये भी सारी डिटेल आपको चेकआउट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर राइट साइड में एक सिलेक्ट ऑप्शन आता है, सिलेक्ट करते हो जो एप्लीकेशन सिलेक्ट करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करके हटा सकते हो, ये काफी अच्छी फीचर्स दे रखा है। एप्लीकेशन वॉच नाम से एक डिटेल्स आया हुआ है, जैसे आप देख सकते हो गूगल एप्लीकेशन, यहाँ पर गूगल एप्लीकेशन है, इसको मैं लॉन्ग प्रेस किया तो यहाँ पर एक साइड आ रहा है जो कि बीजी के टाइप, इसको टैप कर दिया, टैप होने देखिए गूगल का एप्लीकेशन जो है हाइड हो गया। यहाँ पर अगर मैं उस एप्लीकेशन के ऊपर जाकर दोबारा टैप करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे गूगल इज पॉज फॉर रेस्ट ऑफ द डे, यानी कि ये एप्लीकेशन यहाँ पे पॉज हो रखा है। अगर आप चाहो तो इसको अनपॉज भी कर सकते हो, सिंपल टैप करिए, यहाँ पर क्लिक करिए, ये जो फाइल है अनपॉज हो जाएगा। काफी बढ़िया फीचर्स है, सिंपल आपको और भी फीचर दूसरे वे में आप देख सकते हो। यहाँ पर रिसेंट स्क्रीन के ऊपर इसको टैप करिए, यहाँ पर जो कि ऐप पॉज आप ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे टैप करके इसको पॉज कर सकते हो। और बाकी अगर रन करना है इसको लॉन्ग प्रेस करके, यानी कि सिंगल टैप करके इसको अनपॉज कर सकते हो, जो है परफेक्टली वर्क कर जाता है। यहाँ पर सिंगल टैप करिए और फिर जो यहाँ पर देखिए गूगल का जो एप्लीकेशन है, यहाँ पर गूगल का एप्लीकेशन यहाँ पे बढ़िया से रन कर जाता है। जिस स्क्रीन पर हो आप सारे डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो, जितना बड़ा है आपको सेट करना है ये भी देख सकते हो। ये काफी ठीक है, एंड्रॉइड 11 में भी था, एंड्रॉइड 12 में भी ये फीचर्स आपको देखने मिल जाता है। हाँ, डेवलपर ऑप्शन के अंदर से जाके आपको इसको एनेबल करना पड़ेगा। डेवलपर ऑप्शन के लिए आपको पता है अबाउट फोन में जाके आपको बिल नंबर को 7 टाइम टैप करना है, फिर उसके बाद बैक आना है। बैक आने के बाद सिस्टम के अंदर आप देखोगे डेवलपर ऑप्शन आने एनेबल है, तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर इनेबल फ्री फ्रॉम विंडोज को इनेबल करना पड़ेगा, फिर जाके वो ऑप्शन आएगा। ठीक है, इस टाइप का आपको ये इनेबल हो जाएगा। एंड्रॉइड 12 में हमें 100 मोड देखने को मिल जाता है। देखो यहाँ पर सिंगल यहाँ पे हल्के से नीचे की तरफ मैं करता हूँ, 100 मोड आ गया, तो फोन जो है छोटा हो जाता है, जिसे एक हाथ से आप आराम से यूज कर सकते हो। ये डेडिकेटेड फीचर्स काफी टाइम से बंदे यूज कर रहे थे, मतलब वेट कर रहे थे कि एंड्रॉइड 11 में कि नहीं आया, एंड्रॉइड 12 में ये फीचर आ चुका है 100 मोड। स्पीड मेनू जो हम यहाँ पे चेक करते थे, जो कि एक राइट साइड में आता था या 2 फिंगर ऊपर करते थे तो आता था, तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन पैनल यानी कि एक हल्का सा एक बबल शो के आ रहा है, तो इसको टैप करिए। जैसे टैप करोगे यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल यानी एसेसिबिलिटी मेनू आपके सामने आ जाता है। जितने सारे एसेसिबिलिटी मेनू यहाँ पर यूज करना है आप सब यूज कर सकते हो। सिंपल इसको इनेबल करने के लिए आपको चले जाना है सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको उसके बाद आपको एसेसिबिलिटी, और यहाँ पे एसेसिबिलिटी के अंदर आपको यहाँ पर एसेसिबिलिटी मेनू और मेनू के अंदर एसेसिबिलिटी मेनू शॉर्टकट ये वाला इनेबल करिए। देखो यहाँ पर हट गया, जैसे आपको इनेबल करोगे तो यहाँ पर एक छोटा सा बबल निकल के आता है, तो इसे आप मैनेज कर सकते हो। ये भी काफी बढ़िया चेंजेस हो रखा है, इसको बल्कि कंप्लीट एनेबल हो रखा है कई सारे यूजर को, जो चैट बबल एंड्रॉइड 11 में नहीं मिलता था, एंड्रॉइड 12 में काफी बढ़िया से होके आया है। जो कि यहाँ पे होम स्क्रीन सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे नोटिफिकेशन डॉट ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक करके आप यहाँ पर चैट बबल देख सकते हो। यहाँ पर चैट बबल एनेबल है, कोई भी चैट बबल जैसे आपके साथ SMS वगैरह कुछ एप्लीकेशन के अंदर आता है जिसपे वो सपोर्टेड रहता है, वो सब चैट बबल होके आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर एक्सट्रीम बैटरी सेवर ऑप्शन आ रखा है, जो कि आप बैटरी सेवर था, अल्ट्रा बैटरी सेवर था और एक्सट्रीम बैटरी सेवर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मैं आपको यहाँ पर बैटरी के अंदर ले जाता हूँ और यहाँ पर आपको चेक करा देता हूँ, जो कि सिंपल आपको टर्न ऑन बैटरी सेवर, इसके अंदर आपको एक्सट्रीम बैटरी सेवर ऑप्शन आ जाता है। ये जो एप्लीकेशन है ये इतना इतना डिटेल्स है, आपको कब कब से यहाँ पर एनेबल करना है और ये टाइमिंग वगैरह आप दे सकते हो।
और जो जो नेसेसरी फाइल है ये सारी एप्लीकेशन वो सारे ऑन रहेगा, बाकी यहाँ पर सब कुछ ऑफ हो जाएगा, तो आपके लिए काफी बढ़िया फीचर्स रहता है। भाई फोन के रिंगटोन के लिए काफी अच्छे फीचर्स दे रखा है एंड्रॉइड 12 के अंदर। अगर हम यहाँ जाके साउंड वेरिफिकेशन में जाते हैं, साउंड एंड वाइब्रेशन सॉरी, तो यहाँ पर फोन रिंगटोन पे टैप करते हैं, कुछ बहुत सारे डिजाइन होके आएगा आपको, माई साउंड, पिक्सल साउंड, क्लासिकल हार्मोनी, मिनिमम मेलोडी, रियलिटी बाइट्स, ये सारे फीचर्स आपको इसके अंदर एंड्रॉइड 12 में देखने को मिल जाता है, जो कि आपको अलग अलग तरह तरह से म्यूजिक दे सकते हो, जो कि गूगल का म्यूजिक काफी बढ़िया रहता है। यहाँ पर एक स्टाइलिश वॉलपेपर आपको देखने को मिलता है, सेटिंग्स के अंदर आप जाएंगे तो स्टाइलिश वॉलपेपर फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, इतने सारे टॉगल आपको मिल जाता है। एंड्रॉइड 12 में नोटिफिकेशन टॉगल काफी बढ़िया है, लेकिन ये एंड्रॉइड 11 का शो कर रहा है, बट यहाँ पर डिस्प्ले तो होगा एंड्रॉइड 12 का, जो कि अल्ट्रा यहाँ पर देख सकते हो, अल्ट्रा सिस्टम यूआई जीएक्स वाला फीचर्स आपको इनेबल होगा, तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर कलर आप चेंज करना है, आप सिंपल कलर का समय एक अलग से पर्सनली ऐड किया था, इसके अंदर मैंने फॉन्ट ये दिया था, फॉन्ट भी आप यहाँ से जो भी जितना टाइप का फॉन्ट है आप सब यहाँ पे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट करो और आपको कौन सी डिजाइन में चाहिए, जो कि नोटिफिकेशन पैनल के ऊपर जो जो एप्लीकेशन है ये सब दे सकते हो। नेक्स्ट करिए, कलर भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, जैसे ये पिंक कलर मैंने दे दिया, आगे बढ़ा, और यहाँ पर शेप भी आप चेंज कर सकते हो, कौन सी टाइप का शेप आपको चाहिए, मैंने वही है डिफॉल्ट है, वो सारे बढ़िया, और वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हो, बहुत सारे वॉलपेपर है। अब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ देखो पिंक कलर हो गया, काफी बढ़िया है, जब मन करो तो आप चेंज कर सकते हो एंड्रॉइड 12 के अंदर। और उसी डिटेल्स के अंदर आपको वॉलपेपर भी चेक कर सकते हो, जो जो बढ़िया बढ़िया वॉलपेपर इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर देखो कुछ लाइव वॉलपेपर है, आप इसको यहाँ पर टैप करके सेट कर दीजिएगा, जैसे आप यहाँ पर देखोगे ये विंड वाला ये लाइट तरह ये चलना लगेगा। और यहाँ पे मैं बता दूं, जो कि एमआई A3 के अंदर जब एंड्रॉइड 12 मैंने फ्लैश नहीं किया था 11 में, यहाँ पर वाइड वाइन जो कि L1 शो कर रहा था, अब L3 शो कर रहा है, ये काफी मजेदार है, चीज अच्छी बात है। और इससे पहले एक वीडियो में बनाया था इसके आतंक बेस पर, और इंटरनेट स्पीड टेस्ट आप देख सकते हो एंड्रॉइड 12 का, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक फीचर सेटिंग्स के अंदर आपको काफी टाइम से मैं देख रहा था, मैं कहीं ये क्या चीज है, सेफ्टी और इमरजेंसी फीचर्स आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर SOS को इमरजेंसी में कॉल कर सकते हो, लोकेशन ऑन करके रखो, और यहाँ पर आपको वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट के अंदर आप ये सारे फीचर्स आप चेक कर सकते हो, कम से कम से डिटेल है। और भाई फॉन्ट भी काफी अच्छे खासा यहाँ पे चेंज हो जाता है, फॉन्ट अपने मन से देखो ये फॉन्ट भी चेंज हो गया है। तो इस तरह आप अपने MI A3 के अंदर अगर इंस्टॉल करते हो या फ्लैश करते हो 112, तो आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेगा। दोस्तों ये था मेरे तरफ से जो भी बेस्ट हो पाया, जो सेटअप मैंने चेक कर पाया वो है। अगर आप किसी अलावा और कोई फीचर्स आपको पता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं जरूर उसके ऊपर फॉलो करूंगा। तो बस ये था आज का वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट साथ, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।